ये देख सकते हो आप लोग। तो भाई जहाँ पे भैया जा रहे हैं, भैया ने अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू भैया। भैया तो चलते हैं अकलपुर की सड़कों की सैर कराते हैं भैया आज आपको। तो भाई गांव के में कुछ लोग ऐसे पेड़ के नीचे बैठते हैं, सुबह भाई हम ओ भाई चंगू मंगू आ गए स्कूल से। चेक करो स्कूटर वाले अंकल कट मार रहे हैं भाई, चेक करो। तो भाई जहाँ भी आप लोग देख सकते हो भाई, बिजली की तारों में आग लग गई यहाँ पे। हालांकि जम्मू में स्मार्ट सीटर रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो जहाँ पे गाइस हमें हमारा दोस्त मिला भाई, स्कूटर का देख सकते हो बंदे ने जामा बनाया है। हेलो गाइस, कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप है कि आप सब बड़े होंगे और बड़े रहने चाहिए। तो आपका होस्ट और आपका दोस्त हाजिर है एक नया दिन एक नई वीडियो में, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ भाई, अभी 15 से 20 मिनट कम है भाई 12 बजने में, 12 बजे से हम लॉग इन करेंगे। तो भाई कल के हमने NS की अपनी टैंक की फुल करवाई है। तो भाई इस बार हमने बिल वगैरह भी लिया है, 1000 की टैंक फुल हुई है, कुछ पहले का पेट्रोल पड़ा था इसमें। इस बार हम एवरेज नोट करेंगे भाई अपनी NS फुल टैंक करके कितनी चलती है, मतलब कितने किलोमीटर चलती है, वो रीडिंग हम पूरी नोट करेंगे। तो कल मंडे था, तो मंडे को भाई मैंने ना अपनी टैंक फुल करवा दिया, तो मंडे को चलिए कुछ 61 किलोमीटर। तो भाई आज बताते हैं आपको कितनी चलती है। अभी 12 बजे से लेके 3 बजे तक कंटिन्यू काम करेंगे, उसके बाद हम दोबारा 6 बजे या 7 बजे की लॉगिन करेंगे, तो वो करवाएंगे। तो एक बात और भाई, मैंने ना अपनी NS की मॉडिफिकेशन के लिए भाई, जो देख सकते हो आप लोग हैंड गार्ड लगवाए थे और ये लाइट वाले थे, ये टूट गए हैं। तो ये जहाँ से टूट गया भाई, एक टूट गया एक लगा है, तो ये अच्छा नहीं लगता, इससे लुक काफ़ी ख़राब दिखती है भाई बाइक की। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैंने हैंड गार्ड ना भाई ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो ये अपने पास आ चुके हैं। जल्दी से चलते हैं इनकी अनबॉक्सिंग करके बताते हैं भाई ये कौन सा कलर और कैसे दिखते हैं अपनी बाइक में। तो हो सकता है हम इसको भाई 3 बजे के बाद फिटिंग भी करवा लें, अपने साथ ले जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं भाई, इसकी अनबॉक्सिंग करके बताते हैं भाई आपको कौन से कलर में हमने ऑर्डर किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, हमने न्यू हैंड गार्ड भाई ऑर्डर कर दिया आगे लगाने के लिए, जो कि पहला मेरा एक टूट गया तो एक लगा भाई, इससे लुक ना गाड़ी की अच्छी नहीं है। तो ये भी देख सकते हो, ये भी अंदर से टूट गया, ये भी ब्रेक मतलब ये भी टूट गया, अंदर से हिलता भी रहता है इस। ये तो मैंने लाइट वाले लगवाए थे, तब ये लगे थे भाई 1200-1300 रुपये के। तो स्टार्टिंग में जब मैंने न्यू वाली बाइक ली थी तब भी लगवा लिया था। अभी जल्दी से भाई इसको अनबॉक्स कर। हम जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, हमने न्यू हैंड गार्ड भाई ऑर्डर कर दिया आगे लगाने के लिए, जो कि पहला मेरा एक टूट गया तो एक लगा भाई, इससे लुक ना गाड़ी की अच्छी नहीं है। तो ये भी देख सकते हो, ये भी अंदर से टूट गया, ये भी ब्रेक मतलब ये भी टूट गया, अंदर से हिलता भी रहता है इस। ये तो मैंने लाइट वाले लगवाए थे, तब ये लगे थे भाई 1200-1300 रुपये के। तो स्टार्टिंग में जब मैंने न्यू वाली बाइक ली थी तब भी लगवा लिए थे। अभी जल्दी से भाई इसको अनबॉक्स कर भाई। काफ़ी भाई पैकिंग तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की है इन्होंने, देख सकते हो आप लोग, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे मैंने। ये आता है इसका बाहर वाला कवर जिसमें एड्रेस वगैरह लिखा होता है। तो ये अंदर की पैकिंग चेक कर सकते हो भाई आप लोग, कितनी डेंजरस पैकिंग करी है भाई, खुल ना जाएंगे ही रास्ते में। तो मेरे को समझ नहीं आ रही खोलना कहाँ से इसको। तो भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो। जो इसके साथ स्क्रू मिले हैं साइड में लगाने वाले, जो भी इसके साथ का मटेरियल है, नट है, स्क्रू है, तो भाई बॉशल वगैरह जो इसको हम रखते हैं साइड में, भाई पैकिंग दे सकते हो कितनी तगड़ी वाली की गई है। मतलब यार आप लोग नए हो चैनल पर, प्लीज़ यार चैनल, मैंने ना आज ही अपने YouTube स्टूडियो को ओपन करके देखा, 60% ऑडियंस ऐसी है यार जो बिना सब्सक्राइब करे देख रही है। तो यार सब्सक्राइब करने से थोड़ा बंदा मोटिवेट हो जाता है यार। तो अभी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन जो आपके लिए लेके आने वाले हैं भाई, देख सकते हो कितनी ज़्यादा इन्होंने प्लास्टिक इसके लिए यूज़ कर। पर ये फिट कैसे होगा यहाँ पे? तो भाई फिटिंग के लिए भी कोई नेक्स्ट लेवल ही बंदा ढूंढना पड़ेगा हमें।
तभी देख सकते हो भाई अपनी बाइक के कलर के साथ वाले मैचिंग वाले हमने ऑरेंज कलर के ऑर्डर कर लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं जल्दी से लॉगिन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपने जोमेटो के बैग में डाल लेते हैं भाई। इंस्टॉलेशन हम कहीं रास्ते में करवा लेंगे, कोई भी बंदा मिलता है हम मैकेनिक, नहीं तो घर के पास भी शॉप है, हो सकता है इनसे करवा लें। ये आगे इसके स्क्रू वगैरह जो भी हैं ये हमने डाली अपने बैग में। तो जल्दी से चलते हैं भाई, कराते हैं इसको इंस्टॉल। तो भाई जहाँ पे अपने को भाई पहला ऑर्डर साइन हो चुके घर पे, आईडी ऑन करिए जहाँ पे दे सकते हो। सरदार दी हट्टी है मोहल्ला प्रतापगढ़, 3 किलोमीटर का पिकअप है और 5-5.5 किलोमीटर का ड्राइव 50 रुपये दे रहे, क्योंकि पहला ऑर्डर हम कभी डिनाइल नहीं मारते, दूसरा ऑर्डर डिनाइल मार सकते हैं। ऑर्डर पिक करते हैं उसके बाद बताते हैं कहाँ पर डिलीवरी करना है इसको, ठीक है ना। 5 तो अभी आपका भाई निकल चुका है भाई, 3.5 किलोमीटर की पिकअप पड़ गई है। पहले ऑर्डर में आज घर से आईडी ऑन करते ही और भाई सरदार जी हैं कुलचे वाले वहाँ पर जाना पड़ रहा है। 5 किलोमीटर का ड्रा 5.5 किलोमीटर का ड्राप है, कंपनी 50 रुपये दे रही है यार। सो तो भाई जहाँ पे भैया जा रहे हैं, भैया ने अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू भैया। अपना पहला ऑर्डर आ गया, अभी हमने चेक किया अपनी शिफ्ट ख़त्म हो गई भाई, स्लॉट जो अपने पास 12 बजे तक ही था, अभी 1 बजे ऑनलाइन आएंगे और निकलते हैं जहाँ से भाई जानीपुर में ऑर्डर ड्रॉप करना है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। तो भाई छोटी छोटी गली है प्रतापगढ़ में, राइडरों को पता है, वैसे आम जनता को नहीं पता भाई प्रतापगढ़ कहाँ पे है। प्रतापगढ़ भाई रघुनाथ के मंदिर के सामने वाली गली है, छोटी छोटी शहर की, ठीक है ना। और छोटी छोटी गलियों में घुसता अर्जुन, तो JK02 राइडर कराएगा जम्मू की गलियों की सैर भाई, फुल बाय फुल, हर गली के नाम के साथ साथ। तो अभी तो हमें भाई यहाँ से जाना है जानीपुर, रॉन्ग साइड भी चले जाते हैं हम लोग वैसे देखा जाए, जहाँ पे कैमरे नहीं लगे, जहाँ ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हों तो फिर मैसेज आता है हमेशा शाम को, आपके दिन की शुरुआत हो गई है। आज का अपना पहला ऑर्डर डिलीवर हो गया भाई लैंडस अड्डा के बाहर। तो भाई भैया ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू भैया को, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद 1 बजे दोबारा आना काम पे। यहाँ से अपना नान पैक हो गया, सोडी नान हाउस से जहाँ से हमने नान पैक करा लिया, 35 रुपये का आलू नान है। तो भाई यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अभी 20 से 25 मिनट हैं 1 बजने में। तो भाई अमूल की लस्सी लेते हैं मीठी वाली, तो जल्दी से घर चलते हैं, खाना खा के फिर निकलते हैं दोबारा से 1 बजे। यहाँ पे अमूल पार्लर रिहाड़ी से हमने भाई 2 पैकेट लस्सी ले लिए 10 रुपये वाली, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप लोग। तो जल्दी से चलते हैं, बर्फ़ डालते हैं इसमें, नान खाते हैं, लस्सी पीते हैं, फिर आते हैं काम पे। तो अभी फाइनली गाइस 1 बज चुका है, 1 बजे भाई हमारी स्टार्ट की, मतलब लोग लंच वगैरह करते हैं, इसमें हमने काम करना ही करना है, ठीक है। तो अभी हम खाना वगैरह खा के निकल चुके हैं, तो भाई अभी हमें कोई भी ऑर्डर जो है साइन नहीं, और अभी हम जहाँ से ठंडा सा वाटर कूलर लगाया जहाँ से पानी भरते हैं सबसे पहले, उसके बाद जाते हैं आगे कौन से ऑर्डर हमें साइन होते हैं। अभी हम मैं और अमित भाई भाई डी विलेज के बाहर खड़े थे, तो भाई हमें ऑर्डर साइन हो चुका है, इन्हें साइन हो गया कुकी क्रम का, और हमें साइन हो चुका भाई तालाब तिलो हंगरी पॉइंट, ठीक है। तो अभी तो हम दोनों भाई जा रहे हैं भाई, देख सकते हो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, पर हम छोटी छोटी गलियों से जा रहे हैं भाई, देख सकते हो किस तरह से गलियों में छोटे मोटे कट मार रहे हैं हम लोग भाई, जम्मू की हर गली से रूबा रूब है भाई हम। ओ भाई चंगू मंगू आ गए स्कूल से, क्या बोला तूने? तो जी ये गली सीधे भाई हंगरी पॉइंट के बाहर निकलती आ गया, हर गली की सैर द JK02 राइडर के साथ। अंदर के लिए आना पॉइंट आते ही हमें पिज़्ज़ा मिल गया, तो अभी हम निकल रहे हैं अक्कलपुर में, अपना ऑर्डर डिलीवर होगा कोई पिंटे दी हट्टी है उसके पास में, हमने ऑर्डर डिलीवर करना है, ठीक है। तो निकलते हैं जल्दी से, अमित भाई ने जाना है भाई बरनाई, ठीक है। तो अलग अलग रास्ते हैं हमारे जा रहे हैं, हम लोग बस फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं, कई बार शाम को मिलते हैं 6-7 बजे। तो चलते हैं अक्कलपुर की सड़कों की सैर कराते हैं भाई आज आपको। अक्कलपुर का रास्ता बारू रिसोर्ट है, पाटा बोडी से थोड़ी सी आगे आके वहाँ से लेफ्ट जाना अपने को, एकदम से गांव की मस्त सी फीलिंग है भाई, फिर बताते हैं आपको गांव की वाइब्स।
विलेज वाइब्स बता रहे हैं भैया आपको कलबुर्गी। तो एकदम से क्या हरियाली, घनी हरियाली, फ्रेश वाली हवा है यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट होती है भाई अपनी अकलबुर्गी शहर। ठीक है, अकलबुर्गी जर्नी हमारी जहाँ से स्टार्ट हुई है, घनी हरियाली, चावल की खेती की गई है भाई यहाँ पे। ठीक है, जिसको आप कह सकते भाई मुंजी लगाई है इन्होंने भाई। जहाँ से हमें 2 किलोमीटर अंदर जाना है गाँव में आर्डर डिलीवर करने, तो आप लोग भी चेक करो फिर नेक्स्ट लेवल। एक था साइड छोटी सी नहर बह रही है भाई, एकदम से ठंडी वाली वाइब से फ्रेश हवा है जहाँ पर। तो बताते हैं भाई कस्टमर की लोकेशन में जाकर सीधा आगे, या कुछ इंटरेस्टिंग होता तो बताते हैं आप। टूर का बोर्ड मॉडल विलेज के नाम से जाना जाता है कलपुर, जहाँ से हमें हो जाना है राइट साइड, क्योंकि हमारी जितनी बार भी ऑर्डर आते हैं बस जहाँ तक जाते हैं, नहीं जाते तो आगे इससे भी आगे 3-4 किलोमीटर तक ऑर्डर जाते हैं। और अभी इस बार हमें इस वाली साइड का ऑर्डर साइन हुआ भाई, अकलपुर मॉडल विलेज के नाम से जहाँ पे बोर्ड लगा ब्लू कलर का, वहाँ से हम हो गए राइट साइड, जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करना भाई गांव में। पिज़्ज़ा किया कस्टमर ने ऑर्डर भाई गांव के में कुछ लोग ऐसे पेड़ के नीचे बैठते हैं, हमारे गांव में भी ऐसे बैठते हैं, पर जहाँ पे बोला गया हमें पोस्ट ऑफिस के पास आना है, पता तो है नहीं अपने को पोस्ट ऑफिस कहाँ भी है, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े हैं आगे की जर्नी के लिए भाई। पूछते हैं यहाँ पे किसी को पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है यहाँ है ये। एक 186 A few moments later. भाई आज का हमें ऑर्डर साइन हो चुका भाई, आज स्टार गिग है, 8:13 पे हमें ऑर्डर साइन हो रहा है क्वालिटी फूड का, हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर साइन हुआ है। जल्दी से चलते हैं फिर बताते हैं भाई कहाँ पे जे मेरे को ऑर्डर ड्रॉप करना है। और भाई मां समझ सकते हैं, मतलब 1 घंटे के बाद ऑर्डर साइन हो रहा है, स्टार गिग है 7:09। पहले भाई ये टाइम था जब हम आईडी ऑन करते थे, हमें खाना खजाना का ऑर्डर घर पर साइन हो जाता था, और पार्ट टाइमर इतना ज़्यादा आ गया भाई हमें घर से बाहर भी ऑर्डर नहीं। भाई जहाँ पे हमें क्वालिटी फूड पॉइंट का ऑर्डर स्टार गिग में पहला ऑर्डर है भाई, आते ही रेडी मिला है, ये हमने डाल लिया बैग में, इसको ड्रॉप करना है भाई, मुट्ठी में लेके जाना है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है भाई। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर ड्रॉप करते हैं ऑर्डर, हाइपर सी राइड मारते हैं भाई फ्लाईओवर के ऊपर से था, पर मैंने कस्टमर की लोकेशन चेक करी, वो तो मुट्ठी पुलिस स्टेशन के पास की दिखा रही है, फिर मैं ऊपर से जाता 1 किलोमीटर आगे से टर्न लेनी पड़ती, तो अभी आपका भाई नीचे से ही आ रहा है, देखते हैं अगर जहाँ पे रोड खाली मिलता है फिर मारते हैं हाइपर सी राइड, क्योंकि ऐसा ट्रैफिक है भाई, कुछ अनाड़ी खिलाड़ी बंदे आए होते हैं भाई, ठोक देते हैं फिर, जैसा आपको पता है भाई दिन को भी एम्बुलेंस वाले ने बंदे ने ड्रिंक करी थी, पर वो गालियाँ निकाल रहा है अपने को, और भाई जिसने दारू पी है क्या बोलना है किसी को, ठीक है ना भाई, हमारा काम ही रोड पर चलना है, तो आपके भाई ने ज़्यादा बहस नहीं करी, ठीक है ना। उस बंदे ने दारू पी है, ना ही सीट बेल्ट पानी है, ना ही कुछ भाई, पंजाब नंबर इको है, इको मतलब जो भी एम्बुलेंस है वो चला रहा था बंदा, आपने देखा ही होगा भाई, ये ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई, सोच सकते हो जम्मू में जो ड्राइवर बन गए हैं बिना लाइसेंस के। मारते हम भी थोड़े लोगों को अपने कट बताते हैं, देख सकते हो सरदार जी किस तरह चल रहे कट मार रहे हैं, किया तूने क्या किया, तू आ गया आ रही है बार बार, स्कूटर वाला ही बंदा चंगा मशरा हुआ, देख सकते हो शाम को फिकर फैंटो फैंट चल रहा स्कूटर वाला भैया, चेक करो स्कूटर वाले अंकल कट मार रहे हैं, चेक करो भाई, स्कूटर वाला अंकल ही मारता है, अंकल ने पैग लगा लिया गाइस, अंकल ने लगा लिया मासा क्वार्टर, वाह। तो फाइनली गाइस यहाँ भी अपना भाई ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मैं इधर ही खड़े होकर थोड़ी सी आगे चल गया था, भैया को पूछा, भैया बोलते मेरे को नहीं पता, फिर कस्टमर की कॉल आई, फिर हमें डिपार्टमेंट मिल गया, ऑर्डर अपना डिलीवर हो गया भाई। तो आज काफ़ी ज़्यादा लोग काइट्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी काइट्स वगैरह की शॉप पे जाता हूँ तो काइट का ब्लॉग बनाता हूँ भाई आपके लिए, ठीक है। तो जहाँ पे गाइस हमें हमारा दोस्त मिला है भाई, स्कूटर का देख सकते हो बंदे ने यामा बनाया है, अरे भाई हमसे भी तेज़
चेक करो सामान। ओ बल्ले बड़ी जल्दी अपने चैनल पे स्कूटर के रिएक्शन की वीडियो आने वाली है, इसीलिए कि भाई हम परेड मार्केट में घुसेंगे और फिर रिएक्शन की वीडियो बनाएंगे। जहाँ भी अपना ऑर्डर डिलीवर हो गया, कस्टमर ने अपने को टिप कर दी यार, ठीक है ना, तो कस्टमर को थैंक यू यार। देखो तो कस्टमर ने ऑर्डर भी ले लिया और टिप भी मिल गया अपने, मन खुश हो गया भाई आज शाम। तो गाइस जहाँ भी आप लोग देख सकते हो भाई, बिजली की तारों में आग लग गई है यहाँ पे। हालांकि जम्मू में स्मार्ट हीटर रुकने का नाम नहीं ले रहे, पर भाई इलेक्ट्रिसिटी खंभे तारे नीचे लगे जहाँ पे आग लग गई है भाई, देख सकते हो आप लोग, बड़ी गंदी वाली आग लगी है भाई ट्रांसफार्मर में। सोचो जब ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होगा तब क्या होगा यहाँ पे, भाई भाग जाओ जल्दी से। जहाँ पे देख सकते हो डागी भी परेशान है भाई, यहाँ पे आग लग गई है ट्रांसफार्मर के नीचे। हद को भी कंपनी डेड लाइन ही चल रही है, 4 किलोमीटर का पिकअप है, 1.5 किलोमीटर का ड्राइव है, 48 रुपीज़ दे रहा है। और अब की अभी आपका भाई जानीपुर भवानी नगर चौक में खड़ा है, तो मैंने यहीं पे अपना ऑर्डर डिलीवर किया। अभी जहाँ से जाना पड़ेगा भाई पाटा बोड़ी, वहाँ से पिक करते हैं, 1.5 किलोमीटर का ड्राइव है। यही ऑर्डर लेके हम घर चले जाएंगे भाई, उसके बाद फेस टाइम शूट करते बताते कितनी अर्निंग हुई है और कितना इंसेंटिव आज का जो हमने अचीव कर लिया है, तो कल का क्या प्लान है वो भी आपको बता देते हैं आज के ब्लॉग में। तो भाई अभी जहाँ से हमें फ्यूजन किचन से ऑर्डर मिल गया 1:29 हो रहे हैं, तो ऑर्डर अपना डिलीवर करना है भाई रूट पूल भारत नगर है भाई, जल्दी से जल्दी भारत नगर में ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर हम जाएंगे घर भाई, बताते हैं आपको आगे क्या सीन है भाई। ये ऑर्डर होल्ड करके हम घर चले जाएंगे। तो गाइस बस ये आज का अपना लास्ट ऑर्डर है भाई, इसी को डिलीवर करेंगे और हम घर चले जाएँगे, क्योंकि सुबह भी 8 बजे आना है, नींद नहीं पूरी हो पाती है। पहले लोकेशन चेक करनी पड़ती है। बस जल्दी से ऑर्डर ड्रॉप करते हैं, फिर बताते हैं भैया आपको फर्स्ट टाइम शूट करते हैं, बताते हैं कितनी अर्निंग हुई है, कितना इंसेंटिव लगाया था कंपनी ने। तो हेलो जी, तो अभी टाइम आ गया भैया आप सभी को बताने का, मंगलवार की भाई कितनी अर्निंग लगी है। सबसे पहले आप टाइम देख सकते हो भाई 1:39 हो रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ भाई 11 घंटे की लॉगिंग में 16 ऑर्डर हुए अपने, 912 रुपये बने। और आज भाई कंपनी ने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, हालांकि मैंने सोचा था भाई रात को लेट नाइट काम नहीं करेंगे क्योंकि 175 रुपये कंपनी देती है, बाद में दोपहर को देखा भाई 275 हो गया और रात को देखा भाई वो ही 225 कर दिए कंपनी ने। टाइम टू टाइम कंपनी अपना जो है टाइम टू टाइम कंपनी ने अपना जो इंसेंटिव था वो